साउथ के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि तेजा की बहुत ही जल्द एक और फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम होने वाला है टाइगर नागेश्वर राव। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट कर ली जाएगी, जिसके बाद ये फिल्म हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ ही दिनों में हमें फिल्म का टीजर देखने को मिल सकता है, जिसके बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि फिल्म में हमें क्या देखने को मिलेगा। पर सुनने को मिल रहा है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें टाइगर नागेश्वर राव के लाइफ के बारे में बताया जाने वाला है। इस फिल्म में हमें साउथ के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाना है। फिल्म में हमें रवि तेजा लीड रोल में देखने को मिलेंगे ही और इनके साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अनुपम खेर भी देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म हीरोइन की, तो फिल्म में हमें साउथ की बड़ी एक्ट्रेस नूपुर सरन देखने को मिलने वाली है। बात करें डायरेक्टर की, तो साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक वामसी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। सभी लोग रवि तेजा की इस फिल्म का बड़ा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और अब मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को 20 अक्टूबर 2023 को फाइनल की है। टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।